नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक में मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। मैं इसके कुछ रीज़न भी बताऊंगा, साथ ही साथ अगर हम बैंकिंग सेक्टर की कुछ स्टॉक को पिक करना हो तो मैं IDFC फर्स्ट बैंक को ज़रूर पिक करूंगा। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। IDFC फर्स्ट बैंक, दोस्तों सबसे पहले हम इसके CEO के वैद्यनाथन की बात करते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही जादुई पर्सन है। मैं एक आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि जब भी इन्फोसिस की बात करते हैं, इन्फी की बात करते हैं, तो उसके जो CEO जो चेयरमैन थे नारायण मूर्ति जी, वो अपने एथिक्स, वो अपने वैल्यू को हमेशा फॉलो करते थे, सोशल वेलफेयर में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। सेम उनके जो भी गुण हैं सारे गुण हम के वैद्यनाथन में भी देखने को मिलता है। ये भी सोशल वेलफेयर में हमेशा आगे रहते हैं, एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं जो अभी CEO हैं IDFC फर्स्ट बैंक के। अगर हम इनकी हिस्ट्री की बात करें तो एक समय में ICICI बैंक जो रिटेल सेक्टर था वो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो उस समय के वैद्यनाथन ने उसके भागडोर संभाला और देखते देखते उसे रिटेल सेक्टर में नंबर वन बना दिया। तो IDFC फर्स्ट बैंक में पूरे चांसेस है कि ये इनका जो जादुई नेतृत्व है आगे जाके एक मल्टी बैगर एक बहुत बड़ा बैंक बना सकते हैं। देखिए अभी मौजूदा समय में जो IDFC फर्स्ट बैंक का जो सिनारियो है, ये बैंक अभी एक्सपेंशन फेस में है। अभी Tier 1 cities में, Tier 2 cities में इसके ब्रांचेस हैं। आने वाले समय में ये बैंक Tier 3 cities में भी एंट्री करने वाला है, जैसे कि जो छोटे छोटे विलेजेस हैं, कस्बे हैं। मौजूदा समय में इसके पास 600 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं और 700 से ज़्यादा इस बैंक के ATM हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस बैंक की हम बात करें कासा रेशियो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो, जो इस बैंक का 49.88% है। इस बैंक का कासा रेशियो दोस्तों, किसी भी बैंक के लिए कासा रेशियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो इस बैंक का कासा रेशियो बहुत ही अच्छा है और ये कंपनी अभी एक्सपेंशन के फेस में है। और इस बैंक में जो अभी जो फोकस कर रहा है वो रिटेल सेक्टर में ज़्यादा कर रही है, क्योंकि देखिए बैंक में जो भी इनकम होता है, लोन देते हैं, लोन से जो इंटरेस्ट जनरेट होता है उससे हमेशा बैंक का उससे बैंक चलती है, उससे बैंक की कमाई होती है। तो ये रिटेल सेक्टर पे ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि रिटेल सेक्टर में जो लोन्स होते हैं डूबने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, इसलिए बैंक अभी रिटेल सेक्टर पे ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर हम इस बैंक के पिछले कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो सितंबर में 111 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 290 करोड़ का प्रॉफिट, फिर मार्च वाले क्वार्टर में 352 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये कंपनी, ये बैंक प्रॉफिट जनरेट करना आ रही है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो इस कंपनी को 2020 में लगभग 2843 करोड़ का बहुत ही हैवी लॉस हुआ था, लेकिन वहाँ पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस साल कोविड था। आप हम सब घरों में कैद थे, होटल ऑफिसेस रोड सब खाली थे, सब बंद पड़े हुए थे। 2021 में इस बैंक ने 483 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया और 2022 में 132 करोड़ का इस बैंक ने प्रॉफिट जनरेट किया। तो ये बैंक धीरे धीरे अपने लाइन पे आ रही है। अब मैं पर्सनली आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरा बहुत ही फेवरेट बैंक है। मेरे पोर्टफोलियो में IDFC फर्स्ट बैंक भी है और मैं इस पूरा इस बैंक में आश्वस्त हूँ कि ये आपको एक मल्टी बैगर के रूप में अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास लगभग 36% का स्टेक है, DII का भी अच्छा खासा लगभग 13.5% का स्टेक है, फिर DII का भी लगभग 9% का स्टेक है और गवर्नमेंट का भी यहाँ पे 4% का स्टेक है, पब्लिक के पास लगभग 36% का स्टेक है। अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो मौजूदा समय में ये बैंक आपको 35 रुपये के लेवल पे अवेलेबल है, 35 रुपये पे ये बैंक मिल रहा है, लेकिन ये बैंक अभी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे और आने वाले समय में यह बैंक आपको मल्टी बैगर के रूप में रिटर्न दे सकता है। उसके आपको 2-3 रीज़न भी मैं बता रहा हूँ। पहला, ये बैंक को जो मैनेजमेंट है बहुत ही सुलझे हुए हैं, ये जो टॉप मैनेजमेंट है आप इसमें आँख बंद करके दाव लगा सकते हैं। नंबर दूसरा, जो इसका कासा रेशियो है और इसका जो एक्सपेंशन फेस है, ये बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे पे आगे चल रहा है, तो ये भी इस बैंक को आगे जाके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हमें इससे मिल सकता है। अगर
अगला रीज़न की बात करें तो मैं एक आपको बताया हूँ कि जो क्या बैद्यनाथम वाला जो मैं आप लोगों को नारायण मूर्ति से तुलना करके बताया, तो ये उन चीज़ में भी बैठ रहे हैं। तो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आप इस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में यह आपको एक मल्टीबैगर के रूप में रिटर्न मिल सकता है।